हेलो दोस्तों, डेटा सालों के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एसोस जेनफोन मैक्स प्रो की सारे डाउट आपको क्लियर करने वाला हूं। ये एक एफएक्यू वीडियो है, मतलब मैं 10-12 पॉइंट जो मैंने लिख कर रखा हूं एसोस जेनफोन मैक्स प्रो की सारे डाउट आपका क्लियर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, ये फ़ोन की जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या है उसमें गोरिल्ला ग्लास है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ना ही गोरिल्ला ग्लास मिलता है, ना ही ड्रैगन ट्रेल ग्लास मिलता है। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, इसका बैक कवर हो या टेम्पल ग्लास हो या स्क्रीन गार्ड हो, सारे कवर इसको मोबाइल पर रखें। और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक अच्छा सा स्क्रीन गार्ड का लिंक भी दे रहा हूँ, अच्छा सा बैक कवर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्या इसमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट और एंड्रॉयड जो फ्यूचर अपडेट होते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी आएंगे? दोस्तों, जो फ्यूचर अपडेट होते हैं एंड्रॉयड ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, क्यू तक तो ये अपडेट आएंगे। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की अपडेट बात करूँ तो एसोस ने ऐसा बोला है कि हर दो से तीन महीने के अंदर आपको सिक्योरिटी पैच भी अपडेट आपको ये मोबाइल में आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, एसोस जेनफोन मैक्स प्रो में क्या इसमें सीओडी ऑप्शन मिलेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सीओडी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जब तक ये एसोस जेनफोन मैक्स प्रो में प्री ऑर्डर होता रहेगा तब तक आपको सीओडी ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको सीओडी ऑप्शन मिल सकता है। दोस्तों, जो चौथा क्वेश्चन आ रहा है, इसका नेक्स्ट सेल एसोस जेनफोन मैक्स प्रो की कब से होगा? दोस्तों, ये May 10 को होगा और ये भी प्री ऑर्डर वाला सेल होगा, मतलब यहाँ पर भी आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो फ्लिपकार्ट में अभी शो कर रहा है ये लिमिटेड स्टॉक है, मतलब थोड़े बहुत दिन तक ये इसमें आपको सीओडी का ऑप्शन हो या आपको जो ओपन सेल हो शायद मिलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही डिमांड है। जैसे आपको रेडमी का नोट 5 प्रो में डिमांड देखने को मिला था, ये फ़ोन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा आपको डिमांड देखने को मिलता है, मतलब ये फ़ोन में अभी तक के लिए तो ओपन सेल थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, जो पांचवा सवाल आता है, इसमें 49 रुपीज़ का प्रोटेक्शन लेना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ का प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा ओपिनियन की बात करूं, अगर 49 रुपीज़ का प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो मैं शायद ये फ़ोन को लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि 49 रुपीज़ में आपको एक साल तक फ़ोन में वाटर डैमेज हो या स्क्रीन डैमेज हो प्रोटेक्शन मिल जाता है, और ये फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास भी नहीं मिलता है। तो 49 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्लान फ्लिपकार्ट की तरफ से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, छठा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है? दोस्तों, इसमें आपको एक बोलूँ तो ओपनली बोलूँ तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग जो 18 वाट का या 15 वाट का फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता, इसमें आपको 10 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। तो फोन को थोड़ा बहुत आपको स्पीडली तो चार्ज करके दे देगा, लेकिन इतना आपको जो क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3.0 या 2.0 इसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलता। दोस्तों, जो सातवां क्वेश्चन आ रहा है, एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो का 6 GB रैम वाला रैम वेरियंट कब से अवेलेबल होगा? दोस्तों, जो 3 GB रैम और 4 GB रैम वेरियंट वाला लॉन्च होने से पहले ही एसोस ने बोल दिया था कि 3 GB और 4 GB लॉन्च होने के बाद 5 से 6 वीक के अंदर आपको 6 GB रैम मॉडल देखने को मिल सकता है। मतलब तकरीबन मान लीजिए कि मई के लास्ट वीक तक, यानी जून के फर्स्ट वीक तक मान के चल लीजिए, आपको ये 6 GB रैम वेरियंट आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, जो आठवां क्वेश्चन आ रहा है, क्या इसमें EIS और OIS का सपोर्ट है? दोस्तों, अभी तक के लिए तो यहाँ पर OIS EIS का कौन सा भी सपोर्ट आपको नहीं मिलता, लेकिन एसोस ने ये बोला है कि यहाँ पर आपको EIS का ऑप्शन बहुत ही जल्दी OTA के थ्रू आपको मिल जाएगा, मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको फ्यूचर में। OIS तो एक हार्डवेयर वाला फीचर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन एक सॉफ्टवेयर वाला फीचर है, मतलब आपको यहाँ पर OTA अपडेट के द्वारा आपको OIS का अपडेट वीडियो में आ सकता है। दोस्तों, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्या इसमें 4K का रिकॉर्डिंग है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 4K का रिकॉर्डिंग मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो EIS का ऑप्शन आएगा फ्यूचर में, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन आपको 1080p तक भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको 4K का रिकॉर्डिंग है जो रेडमी का नोट 5 प्रो में नहीं है। दोस्तों, जो 10वां क्वेश्चन आ रहा है, क्या इसमें डुअल वोल्टी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें डुअल वोल्टी है, आप 2 जियो सिम को एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप एक जियो सिम में अगर आप डाटा यूज करते हैं तो दूसरा आपको जियो सिम में आपको स्टैंडबाय मोड पर रख सकते हैं, तो इस पर भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें आपको डुअल वोल्टी का सपोर्ट मिल सकता है, मतलब एक साथ आप 2 जियो सिम यानी जो एयरटेल और वोडाफोन भी कुछ कुछ स्टेट में आपको वोल्टी सर्विस आ गया है, तो ये दोनों सिम को आप सिंपली से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या इसमें USB OTG सपोर्ट करता है? दोस्तों, इसमें एक्सटर्नल SD कार्ड का स्लॉट के साथ साथ आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं और OTG का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं यहाँ पर आप चाहें तो हार्ड डिस्क भी ये मोबाइल पर आप लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपको OTG का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर आपको 3 GB रैम वेरिएंट, 4 GB रैम वेरिएंट और 6 GB रैम वेरिएंट में से
जो 6GB RAM वाला वेरियंट कितना इंप्रूवमेंट है। दोस्तों 6GB RAM वेरियंट में आपको 16MP का जो शूटर मिलता है, ये आपको f2.0 अपर्चर के साथ मिलता है। जो 13MP का जो 3GB और 4GB वाला वेरियंट है, इसमें आपको f2.2 वाला आपको अपर्चर मिलता है। मतलब आपको जो 16MP का जो 6GB वेरियंट है, इसमें आपको लो लाइट फोटोग्राफी थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको रैम मैनेजमेंट बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक 100 है, आपको रैम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन 6GB RAM वेरियंट में परफॉर्मेंस और भी इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रेडमी का नोट 5 प्रो लूँ या एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो लूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 6GB RAM वेरियंट वाला एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैमरा मिलता है। जो रेडमी का नोट 5 प्रो में आपको जो अपर्चर मिलता है f2.2 का मिलता है, लेकिन जो एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो है, इसमें आपको अपर्चर 16MP का f2.0 मिलता है। मतलब जो 16MP का जो शूटर है, यहाँ पर आपको एसोस जेनफोन मैक्स प्रो में आपको बेटर कैमरा क्वालिटी मिलेगा जो 6GB RAM वेरियंट, और फ्रंट कैमरा में भी आपको यहाँ पर 16MP का कैमरा एसोस जेनफोन मैक्स प्रो में मिल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अगर लेना चाहते हैं तो 3GB RAM वेरियंट वाला एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो ले लीजिए। अगर आप 4GB RAM वेरियंट लेना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा आप रेडमी का नोट 5 प्रो लीजिए। अगर आप 6GB RAM वेरियंट वाला लेना चाहते हैं तो एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो ले लीजिए। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या इसमें फेस अनलॉक मिलता है। दोस्तों इसमें फेस अनलॉक का जो अभी लॉन्च हुआ था, उस वक्त आपको फेस अनलॉक का फीचर नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी अपडेट के द्वारा आपको एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल गया है। और ये बात आपको बता दूँ, ये रेडमी का नोट 5 प्रो से फास्ट भी है फेस अनलॉक की बात करें तो। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर में जो थोड़ा बहुत बग था, अभी एसोस जेनफोन मैक्स प्रो में फिक्स हो चुका है OTA अपडेट के द्वारा। मतलब आपको फिंगरप्रिंट सेंसर हो या फेस अनलॉक हो, दोनों सिक्योरिटी फीचर आपको एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो में मिल जाते हैं। दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे एसोस के जेनफोन मैक्स प्रो के बारे में। अगर आप कोई क्वेश्चन आपका बाकी रहेगा तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं डायरेक्टली उनको कमेंट में भी रिप्लाई दे दूंगा और उनको सारे डाउट का एक एक करके मैं रिप्लाई कमेंट में जरूर दूंगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक, जल्दी जल्दी अब ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।